जय माता दी, जय माँ कामाख्या, ओम पितृभ्यो नमः। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं? हम ये देखते हैं कि मनुष्य अमावस्या को उत्पन्न होता है, श्राद्ध पक्ष में उत्पन्न होता है, काल सब दोष से युक्त उत्पन्न होता है, मांगलिक दोष से युक्त उत्पन्न होता है, या नाग दोष से संबंधित उत्पन्न होता है। जिस मनुष्य के जीवन में इन पांच दोष में से कोई भी एक दोष हो, या एक से अधिक दोष भी होते हैं, क्योंकि अधिकांशतः जन्म पत्रिका में हमने देखा है कि काल सब दोष और मंगल दोष और पितृ दोष, ये तीनों एक साथ चलते हैं। और जिसके जीवन में ये इस प्रकार की स्थिति अवश्य है, तो उसके जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो जिंदगी भर निराशा के भाव उसके जीवन में रहते हैं। तो उन निराशाओं से दूर कैसे हुआ जाए? सभी माता पिता और बच्चों के पालकों से मेरा निवेदन है कि अब वो आप अपने बच्चों की अपनी पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि क्या बच्चे के जीवन में संघर्ष तो नहीं है, काल सब दोष में तो उत्पन्न नहीं हुआ है, मांगलिक दोष में तो उत्पन्न नहीं हुआ है, ग्रहण दोष में तो उत्पन्न नहीं हुआ है, अमावस्या दोष में तो उत्पन्न नहीं हुआ है, पितृ दोष तो नहीं है, नाग दोष तो नहीं है। यदि इन पांच दोष में उत्पन्न हुआ है तो उसका उपाय करें। अब आप कहेंगे हम उपाय पूछने किसके पास जाएं? तो उसी तारतम्य में हमने एक किताब लिखी है, जीवन में संघर्ष क्यों। केवल ये किताब उनके काम की है जिनके यहां पर बच्चे बच्चियां उत्पन्न हैं, और उनके किसी न किसी के जन्म पत्रिका के अनुसार, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार काल सब दोष है, नाग दोष है, पितृ दोष है, मांगलिक दोष है, या श्राद्ध कर्म का दोष है। इसलिए आपको यदि चाहें उन दोषों से कैसे दूर किया जाए, तो आप ये किताब खरीद सकते हैं। इस किताब में सभी प्रकार के ये जो पांच दोष बताए हैं, इन पांचों दोषों का निवारण इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपको उनका निवारण करना है, कब निवारण करना है, पूजा कैसे होगी, वो भी इसके अंतर्गत बताया गया है। पूरे इस वर्ष भर में 12 अमावस्या होती है। उन अमावस्या के दिन बच्चा अवश्य उत्पन्न होता ही है, कहीं ना कहीं पे रोजाना बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, तो कोई ना कोई बच्चा या बच्ची अमावस्या के दिन उत्पन्न अवश्य होता है। तो जिस बच्चे का जन्म अमावस्या को होता है, उसके जीवन में कष्ट अवश्य आता है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर अवस्था का रहता है, नीच का भी दे सकता है, और उस दिन चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए उसका ज्ञान के लीजिए, दिमाग के लीजिए, बुद्धि के लीजिए, ये कमजोर रहती है। और ऐसे बच्चे जो अमावस्या को उत्पन्न होता है, पितृ दोष से युक्त उत्पन्न होता है, उस बच्चे के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, जादू टोने का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होता है, और जीवन में उसको तंत्र मंत्र जादू टोने से हमेशा परेशान अवश्य रहना पड़ सकता है। उस दोष से कैसे बचा जाए कि भूत प्रेत न लगे, जादू टोने का प्रभाव न हो, उसके बारे में भी इस किताब के अंदर हमने बताया गया है कि जीवन में संघर्ष क्यों आता है यदि बच्चा इन इन समय पे उत्पन्न होता है तो। पितृदोष क्या होता है, पितृदोष क्यों लगता है, किसको पितृदोष लगता है, पितृदोष निवारण के क्या उपाय हैं, पितृदोष हो जाता है तो क्या क्या होता है जीवन में, वो सब सिम्टम इसके अंतर्गत दिए गए। यदि आपके पास पत्रिका नहीं है, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है, तो पत्रिका बनवा लें, और उससे ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में ये दोष है या नहीं है। नाग दोष होने पर या पितृदोष होने पर बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, या बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तो सही तरीके से वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं,
जीवन में उनके भी संघर्ष बना रहता है, प्रयास करते हैं पर प्रयासों में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं होती, दूसरे बच्चे सफलता प्राप्त करके चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो घर में होता है, जब तक उसकी सेवा पुत्र और पुत्रियां करते हैं तब तक उस घर के अंदर धन धान्य रहता, उसके बाद जैसे वो बुजुर्ग चला गया, स्वर्गवासी हो गया, तो घर के अंदर दरिद्रता आना चालू हो जाती है, पैसे आना बंद हो जाते हैं। उसका भी क्या कारण होता, वो इस किताब के अंतर्गत हमने दिया है। भूत कितने प्रकार के होते हैं, कैसे भूत लगते हैं, कब भूत प्रेत लगते हैं, कब ऊपरी बाधा लगती है, उनके लक्षण बताए गए हैं, सब नियम बताए गए हैं। काल सब दोष कैसे होता है, कितने प्रकार का काल सब दोष होता है, काल सब दोष से क्या कष्ट होता है, काल सब दोष के उपाय क्या है, काल सब दोष की पूजा कहां पर हो सकती है, वो इस किताब के अंतर्गत हमने बताया गया है। श्राद्ध पक्ष कैसे करना चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में ताला क्यों नहीं लगाना चाहिए, इन सब के बारे में हमने विस्तृत वर्णन इसके अंतर्गत दिया है। और यदि किसी को नाग दोष होता है तो बच्चे उत्पन्न नहीं होते, लाख प्रयास कर लो बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे जब तक नाग दोष का शमन नहीं हो जाता है। यदि आप आस्तिक हैं तो पूजा पाठ के माध्यम से आप नाग को प्रसन्न कर सकते हो, पर यदि आप नास्तिक हो तो आपके यहाँ ये मान करके चल लीजिए कि जिंदगी भर आपके यहाँ बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। और यदि आपने विशेष प्रयास से अपने पैसे के बलबूते पर साइंटिफिक तरीके से बच्चा परख नली के माध्यम से बच्चा उत्पन्न कर भी लिया, तो बच्चा आगे बड़ा होने पर उसकी मृत्यु अवश्य पिता माता पिता के सामने होती है। इसीलिए नाग दोष क्या होता है वो भी हमने इसमें बताया है, सर्प दोष क्या होता है ये भी आपको बताया है, और सर्प के बारे में बहुत सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। तो इस तरीके से पितृदोष, नाग दोष, काल सब दोष, अमावस्या दोष, इन सब दोष के बारे में ये किताब है। आप चाहे तो किताब खरीद सकते हैं। चार किताबों को मिलाकर के एक किताब बनी हुई है, आप ये अज्यूम करें। इस किताब की कीमत जो है हमारे द्वारा 1600 रुपये रखी गई है। जिस किसी भी सज्जन धन प्रेमी बंधुओं को चाहिए किताब ले सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, 7987237885, और तीसरा व्हाट्सएप नंबर है 7649862712। इन नंबर पर संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर अवश्य दें और किताब के बारे में बताएं कि हमें ये किताब चाहिए। आपको किताब आपके घर पर स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंचाई जाएगी। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।